के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्ष स्थल और हृदय में धरती रूप से स्थित हो, सदा उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निंद्रा के रूप में संसार के लोकों को अत्यंत सुगम प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन करने के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। अध्याय 3। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी सती का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग से विराजमान थी। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्हमय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा भी कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं, वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी भी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। उनकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले श्री विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन करने लगे। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्र देव की प्राणवल्लभा हुई थी। उस समय आपने श्री ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिनसे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथायोग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी।
और रुद्रदेव की पत्नी होंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए और वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है, धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे बार बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता देवी सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, माँ जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। अध्याय 4। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म। श्री नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, इसके बाद क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ प्रियवर नारद, जब भगवान विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने में लगी रहती। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती और मन में संतान की कामना ले चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बाली सामग्री पिट्ठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषध प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पी कर रहती और कभी हवा पी कर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होवे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हस्ती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज नंदनी हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुम्हारे तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट करते हुए कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर
सर्वमोहिनी काली।